बॉलीवुड की हिट जोड़ी लेने जा रही है कमबैक। क्या करण जौहर लेकर आएंगे इन दोनों सुपरस्टार्स को वंस अगेन बैक ऑन दी स्क्रीन टुगेदर? कुछ कुछ होता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कभी खुशी कभी गम एक्टर्स यानी शाहरुख खान एंड काजोल। जी हाँ, बात हो रही है इन्हीं की जोड़ी की जिन्होंने एक साथ 7 फिल्म्स की हैं और सभी एक से बढ़कर एक सुपर ब्लॉकबस्टर भी रही हैं। करण जौहर ने हाल ही में रिवील किया था कि उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 90s की फिल्म्स की याद दिलवाने वाली फिल्म होगी जिसमें पहले की तरह ही बहुत से सॉन्ग्स, इमोशनल सी स्टोरी और अमेजिंग स्टार कास्ट होगी। तो वहीं अब सोर्सेज की माने तो काजोल और SRK भी इस फिल्म का हिस्सा रहने वाले हैं। वेल यस, जहां फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह तो दिखने ही वाले हैं, तो वहीं अब काजोल और मिस्टर खान का फिल्म में एंट्री लेना यानी 2023 की बिगेस्ट फिल्म। जहां रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक्टर धर्मेंद्र जी, एक्ट्रेसेस शब्बाना आजमी जी और जया बच्चन जी का होना तो कन्फर्म्ड है, वहीं शाहरुख और काजोल किस तरह से और किन कैरेक्टर्स में इस फिल्म का पार्ट बनेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। बट एक क्लोज सोर्स ने इतना जरूर रिवील किया है कि हो सकता है कि ये दोनों एक्टर्स किसी स्पेशल सीन में या फिर किसी एक स्पेशल सॉन्ग में नजर आ जाएं। एज वी ऑल नो, शाहरुख अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के शूट्स में कितने ऑक्यूपाइड हैं, इसीलिए उनका करण के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने के कारण 1 to 2 days निकालना ही काफी होगा। जहां लास्ट काजोल और SRK को एक साथ 2015 एक्शन रोमांटिक फिल्म दिलवाले में एक साथ स्क्रीन पर देखा गया था, तो 2023 में अगर करण की इस फिल्म में नजर आते हैं तो ये उनका आफ्टर 8 years कोलैब होगा। के जो भी 6 years के बाद डायरेक्शन में वापसी ले रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, एस उन्होंने लास्ट 2016 म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ए दिल है मुश्किल को डायरेक्ट किया था जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर नजर आए थे। फॉर मोर सच बॉलीवुड अपडेट्स एंड गॉसिप्स कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।